पता नहीं किसके लिए जा रहा है दोनों किसके लाओ तुझे तो बैकग्राउंड है गाइस वेलकम बैक टू मनीपुर। तो कैसे हैं हम लोग, होप सब मस्त होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी जस्ट रेडी हुए हैं, हमको जाना है एक बर्थडे पार्टी में, और है कि मेरे दोस्त का बर्थडे पार्टी है तो अभी जा रहे हैं। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो काफ़ी अच्छा मतलब प्यारा रेस्टोरेंट चूज़ किया हम लोग, वहाँ का थीम जो भी दिखाएंगे आपको। पहले जाते हैं देखते हैं कौन कौन आता है, ठीक है चलो। पता नहीं किसके लिए जा रहा है दोनों, किसके लिए जा रहे हैं, किसका बर्थडे है प्रशांत, किसका बर्थडे है ये, किसके लिए है ये समझ में आ रहा हमको, इतना बड़ा अब आगे से मुड़े पड़े हैं। हाँ तो पैदल वाला का आगे से नहीं पता, सबसे अच्छा पता क्या करो, आगे से चलो गली में घुसा लेना, पुल पे चढ़ा लो। नहीं नहीं आगे से सीधे नीचे नीचे चलो, नीचे से निकाल जाएंगे, चलो नीचे चलो। नहीं नहीं तुम नीचे चलो ना, हम बताते हैं। बाल पूरा खराब हो गया यार, पूरा बाल खराब हो गया। हाँ ठीक लग रहा है आप, अरे बताए नहीं किसके लिए ले जा रहा है भाई, बताओ किसका बर्थडे है, बुला लिया लो सब लोग। चार चार को शॉर्ट लेके तो घूमता, एक बात बता साले, कोचिंग जाले एक कोचिंग जाले, हम ही बोल रहे हैं कोचिंग जाले एक और शॉर्ट, और साला उसमें क्या रख ले तू लोग यार, गाड़ी का कागज लो, गाड़ी के कागज रख ले, झूठ बोल रहा है भाई, झूठ बोल रहा है, आज के दिन में झूठ बोलते। बूट वेयर की सही लग रहा है, सही लग रहा होगा। इंटीरियर है इस कैफे का, वाशा कैफे का, वहाँ बर्थडे के लिए डेकोरेट करा सकते हैं आप लोग मस्त। ये तो केक का फोटो लेते रहेगा, हाँ ले लो पूरा उसका एक्सेस, और दे लो, और दे लो, क्लोज पास है, नाम लिखा है इसका। ये बाकी इंटीरियर है इसका, कह रहा है ना सो क्या लिख रहे हैं पता नहीं जो भी लिख रहा है। प्रशांत किसको दे रहा है, किसके लिए रहा है ओए लड़का, किसके लिए रहा है तुझे तो बैकग्राउंड नहीं दिखा रहा है इसको ब्लॉग बता दे इसको हम ब्लॉग में डाल देंगे तो फोटो क्लिक कर देंगे कर लेंगे साले काला आ रहा है जब हम घर आ चुके हैं और अब निकलेंगे जिम थोड़ा देर फटाक रेडी होकर, क्योंकि जिम भी जाना है, काफ़ी लेट हो गया 8:30 हो रहा, ठीक है तो अब जिम के लिए रेडी होते हैं निकलते हैं। जो भी तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत कैफे था, बाकी आगे बताते हैं आपको। तो गाइज हम घर आ चुके हैं और राहबत रेस्टो का जो यहाँ पार्टी करने गए थे, एक बर्थडे पार्टी था, थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा सीक्रेट है ये बता नहीं सकते, ठीक है। तो देखो वो रेस्टो काफ़ी प्यारा है, ठीक है, कि कोई मेरा नहीं, काफ़ी अच्छा इंटीरियर है, पर बात यहाँ ये है ना कि वहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे अंदर एसी नहीं है, ठीक है, ये एक डिमेरिट वहाँ मेरे को लगा। बाकी खाना से लेकर सारा चीज़ को हम 10 out of 9 देंगे, ठीक है, सारा सब चीज़ प्यारा है, इंटीरियर से लेकर सारा डेकोरेशन ईच एंड एवरीथिंग आपको हर चीज़ मिल जाएगा वहाँ पर, काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी आएंगे आपके, पर एसी नहीं लगाएगा वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर कूलर है दो, गर्मी से हालत थोड़ा ख़राब हो जाएगा, ठंडी के लिए ठीक है, गर्मी के लिए उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हम तो बोलेंगे रात को ही जाया करो, थोड़ा सा दोपहर में या शाम में मत जाया करो, रात को जाया करो और मौज बांध दो, सब चीज़ मिलता है वहाँ पे, स्मोकिंग एरिया हर चीज़ है, रूफ टॉप है, सब चीज़ें प्यारा सा है, और डे टू डे जाओ मज़े करो। बहुत दिन बाद हम कैमरा निकले अपना, और काफ़ी टाइम बाद मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को शूट किए हुए फ़ोटोज़ हो या वीडियोज़ हो कैमरा से, तो सोचो नहीं कि अब कैमरा से रेगुलर फोटो या वीडियो शूट करें, जिम में हो वो या बाहर में जो भी चीज़ हो, मतलब अच्छा क्वालिटी आता है आईफोन से, ऐसे आईफोन से वैसे बहुत प्यारा क्वालिटी आता है, पर आईफोन को थोड़ा अपग्रेड करेंगे तो और अच्छा क्वालिटी का, पर उससे ज़्यादा अच्छा कैमरा है,
ठीक है, कैमरा तो पता ही होगा आपको मेरा, अच्छा है मतलब डी 1500 डी है, अच्छा कर लेता है मतलब शूट अच्छा हो जाता है। अभी सोच रहे इसी से शूट करेंगे, बहुत जल्द कैमरा भी अपग्रेड करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा विचार में है, थोड़ा सा कंक्लूजन निकलता है, तो या तो गोप्रो लेंगे या तो कैमरा कुछ अपग्रेड करेंगे बढ़िया सा, देखते हैं क्योंकि क्वालिटी भी थोड़ा ध्यान देना है। मेरा चार्जर गुल्लू की चला गया, तो ये देखो ये चार्जर जो है इसमें ये देखो तीन पिन होता है, ये चार्जर हमेशा हम रखते हैं अपने पास, टाइप सी हो गया या ये वाला पिन का हो गया या आईफोन का हो गया, तीनों का मस्त चार्ज करता है। ठीक है, ये काम कहीं भी बाहर जाना हो, ट्रिप जाना हो तो ये रखना चाहिए, आपको ओरिजिनल चार्जर मान लो ख़राब हो गया तो ये काम आ सकता है, इसलिए हमेशा मेरे बैकअप में रहता है। तो गाइज अब ब्लॉग एंड करने का वक्त हो चुका है, क्योंकि अब शावर लेंगे और सोएंगे, पेट तो भरा हुआ, डिनर करने का बिल्कुल मूड नहीं है, एकदम बिल्कुल सा एकदम नहीं, बिल्कुल मन नहीं करें खाने का, क्योंकि बाहर के खाने के बाद अगर थोड़ा सा बाहर खाने के थे तो घर पे खाना ही नहीं खाते, तो इसीलिए सोचा ब्लॉग एंड करेंगे और फिर सोएंगे मस्त, नींद बहुत ज़ोर से आ रहा है मेरे को। ठीक है, पता नहीं क्यों थकान क्यों हो रहा है, आई डोंट नो, पर नींद बहुत ज़ोर से आ रहा है, और बहुत जल्दी अपग्रेड करेंगे कैमरा क्वालिटी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आप उतना टेंशन ना लो, चिल मारो, अच्छे से ब्लॉग्स और आने वाले हैं। ठीक है, अभी तो और आगे अगस्त में और भी बड़ा धमाका होने वाला है, आगे आगे देखो होता है क्या। ठीक है, तो ब्लॉग में पेंट करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगो, अच्छा लगो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।